रेडी। So good afternoon everyone, welcome to Bijam. I hope everyone has a great time during Diwali with their friends and family. Though I was not well and I was isolated at that time, but even that was a memory for me for the lifetime ki ye wali Diwali bhi mujhe yaad rahegi. So it's an urge from my side that please take care of yourself. Hum log thode se careless ho jate hain and then we actually caught this COVID infection. So you have to be little careful. It's I am just saying out of my experience of last week's only. So anyways, today we are having Jyoti with us. जिसके साथ हम लोग पेपर फ्लावर मेकिंग का क्लास लेंगे आज. तो पेपर फ्लावर मेकिंग एक्चुअली कोई भी फेस्टिवल से कनेक्टेड नहीं है. एक्चुअली ये गिफ्टिंग के लिए ज्यादा यूज होता है. तो गिफ्टिंग सीजन इज ऑलवेज इन, शादी की सीजन भी स्टार्ट हो गई है. और हम कभी कोई किसी को बुके देना चाहते हैं उसमें भी यूज कर सकते हैं. किसी का गिफ्ट पैक करते हैं उसमें भी कोई छोटा सा फ्लावर बना के हम लोग उसमें लगा सकते हैं. सो बहुत सारे यूजेस है पेपर फ्लावर के. और बीजम में हम लोग हमेशा सस्टेनेबिलिटी को ही प्रमोट करते हैं. सो अगेन वंस अगेन इट इज अ सस्टेनेबल प्रोजेक्ट कि भाई आप पुरानी चीजों से कोई नई चीज बना के उसको बहुत क्रिएटिव वे में यूज कर रहे हैं. सो लेट मी इनवाइट ज्योति. सो हाय ज्योति, वेलकम वंस अगेन टू बीजम. And it is our pleasure to have you. All the members are very much excited today कि ज्योति से हमको आज नया क्या सीखने मिलेगा. तो वैसे तो ज्योति को सब लोग जानते हैं बीजम में, बट ठीक फिर भी मुझे लगता है कि आई नीड टू इंट्रोड्यूस हर, जो पहली बार उनको मिल रहे हैं या फिर पहली बार जो उनका वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं. तो ज्योति एक्चुअली उन्होंने अपना आर्ट एंड क्राफ्ट का जो सिलसिला है वो 8 साल पहले एक स्कूल में क्लासेस लेके आर्ट टीचर के तरीके से स्टार्ट किया था. और उसके बाद तो लॉकडाउन में उनका जो आर्ट सिखाने का सिलसिला था वो बैंगलोर से लेके इंग्लैंड यूके बहुत आगे तक चला गया है. और वो कई सारी आर्ट्स में महारत उनकी है, जैसे कि मधुबनी है, मंडाला है, बट सबसे ज्यादा उनका फेमस है डॉट मंडाला कि जो कई तरह के कैनवासेस में और सिरामिक कप्स में और प्लांटर्स में बहुत अच्छे अच्छे तरीके से डॉट मंडाला बनाती है और मतलब दुनिया के हर कोने में पहुंचाती है. So it is our pleasure to have mentor like Jyoti today, and let's not waste much time and start the workshop because everyone is waiting to learn something new, sustainable. Okay, so yeah, Jyoti. Okay, hi so everyone, and it's yeah. Actually my pleasure every time to have classes with you all. I mean, like you know, it gives me sort of a kick. मेरे को एकदम किक मिलता है कि मैं कुछ सिखा पाती हूँ और आप लोग कुछ कर पाते हो. सो यू नो दैट इज मोर देन इनफ फॉर मी. सो नॉर्मली जैसे हम लोग जो आज बना रहे हैं ना, मैंने कलर्ड पेपर्स इसलिए लिए हैं बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ कलर्ड पेपर्स इन द हाउस. आर्ट टीचर हूँ, कितनी बार स्कूल से फ्री में मिल जाता है, कितनी बार मैं खरीदती रहती हूँ, कुछ दिखा खरीद लिया. तो काफी मेरे पास पेपर्स होते हैं और अगर मैं आर्ट मतलब कलर पेपर में करूंगी तो आपको अच्छा क्लियरली आप लोग देख पाओगे. बट वेर एज अगर मैं न्यूज़पेपर में करूंगी तो आपको नहीं दिखेगा. बट यू नो व्हाट, दीज फ्लावर्स आर रियली ब्यूटीफुल व्हेन यू एक्चुअली डू देम. वो जो एडवर्टीजमेंट शीट्स आते हैं ना डोमिनोज के, पिज्जा हट के, वेरी नाइस ग्लॉसी पेपर न्यूज पेपर में आते रहते हैं, सेव देम एंड यू नो उनके जो फ्लावर्स बनते हैं वो इतने नाइस एंड ब्यूटिफुल कलरफुल बनते हैं कि क्या बोले. लॉट ऑफ पीपल हैड आस्क्ड मी कि स्क्यूअर्स का क्या काम है. कोई फर्क नहीं पड़ता, स्क्यूअर्स नहीं है मारो गोली. टेक यू नो झाड़ू का सिक्की, सीख झाड़ू की सिक्की आती है ना, सिर्फ एक डंडा चाहिए जहां पे वो फ्लावर को टांगना तो पड़ेगा ना. या तो आप उसको बना करके इफ यू वांट टू पुट अ बेस यू कैन पुट अ डबल टेप और किसी चीज में आप उसको चिपका सकते हो. लाइक यू नो लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग हैम्पर्स एंड प्लैटर्स, है ना, काफी लोग यहाँ पे है जो कर रहे हैं हैम्पर्स एंड प्लैटर्स. वो चारों तरफ अगर आप फ्लावर से अपने खुद बनाओगे तो एक पर्सनल टच आता है एंड यू नो दैट रियली एनहांसेस योर स्किल. That really enhances the way you present your work to the customer. तो उसके लिए भी हम लोग use कर सकते हैं. Apart from that, कुछ भी ऐसा सामान नहीं चाहिए. Fevicol I think सबके घर में होता है, कैंची, Fevicol ये सब सबके घर में होता है. So we want to start. Let's not waste time. मेरा
माय एम इज टू फिनिश टू फ्लावर्स टुडे, ठीक है? तो अगर मैं दो फ्लावर फटाफट सिखा पाऊं तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा. चार से पांच से थोड़ा ऊपर टाइम जाएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? सो वी विल स्टार्ट नाउ. और मैंने राउंड आप लोगों को सर्कल ऑलरेडी मैंने करके रखने बोला है, तो हैव यू ऑल गॉट द सर्कल्स रेडी? आई होप सो. मैंने तो फिर से आज सुबह भी डाल दिया था. दोज़ हु वांट टू जॉइन ये वाला को स्पॉटलाइट कर दो ना. हाँ हाँ जस्ट अ मोमेंट, मेरा वो वाला को. ये दिख रहा है ना सबको पेपर? एक ही नहीं होगा क्या? दोनों चाहिए क्या? हाँ ये वाला नहीं, एक ही होगा. जस्ट अ मोमेंट प्लीज म्यूट योरसेल्फ्स ना, क्योंकि बैकग्राउंड से कुछ नॉइज आ रहा है. पार्टिसिपेंट्स इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज म्यूट योरसेल्फ सो दैट यू कैन हियर ज्योति नाइसली. कूल. सो दिस इज द A4 साइज पेपर. अभी भी है. जस्ट अ मोमेंट, लेट मी स्टार्ट म्यूट. शी सेड जस्ट स्टार्ट म्यूट. यस भाई, मैंने मैंने है ना ये नो नो पाने थे हमारा यहां पर क्लब में आवे. जस्ट म्यूट ऑलना तो हो जाएगा. हाँ ज्योति, तुमको अनम्यूट करना पड़ेगा, फिर से कर लो एक बार. ठीक है, एवरीबॉडी कैन हियर मी नाउ? या ठीक है. सो ये मेरा पेपर है, A4 साइज का पेपर है. व्हाट आई हैव डन क्विकली, आई विल मेक अ राउंड पॉइंट टू पॉइंट. ये हाफ फोल्ड कर लिया, ठीक है? उसके बाद ये हाफ मैंने फोल्ड कर लिया, ठीक है? उसके ऊपर मेरा एक पोस्टर रखा जो अभी बना नहीं है. आप कुछ भी ले सकते हो, यू कैन टेक अ कटोरी, यू कैन टेक अ सीडी, कुछ भी ले करके, ठीक है? डोंट गो फॉर मेजरमेंट. जो भी एक अच्छा बड़ा सा सर्कल मिले, ये 4 इंच का सर्कल है. आप कोई भी कटोरी ले सकते हो, आप कुछ भी ले सकते हो. जस्ट ड्रॉ अ लाइन अराउंड इट, ठीक है? और इसको फटाफट झटपट हम लोग कट कर लेंगे. मेरे को दिख तो जाए तब मैं कट कर लूं. Hello everyone. Hi Shanvi. Hi Andy. How are you? Fine. So cute. Shanvi is always there. Shanvi, I want to see you complete these flowers. ठीक है? ठीक है. ये दिख रहा है ना सबको फ्लावर पे? ये हो गया मेरा सर्कल पे. And I'm just going to chop this whole thing. चार सर्कल आ गए हम लोग को आराम से, ठीक है? अब इसको क्या करना है, हमको एक सर्कल को लेना है, उसको पहले हाफ में फोल्ड करना है. सो जिसका जिसका सर्कल ऑलरेडी रेडी है, प्लीज इसको पहले हाफ में फोल्ड कर लेते हैं हम लोग. हाँ, हाफ में फोल्ड करके एक और हाफ फोल्ड. सो ये बेसिकली ऐसे हो जाएगा, ठीक है? हाफ फोल्ड करके एक और हाफ फोल्ड. अब हम लोग इसको खोल लेंगे, ठीक है? और अब जहां जहां इसके क्रीजेस है ना, यहाँ पे क्रीज आएगी, यहाँ पे क्रीज आएगी, ठीक है? इसको ना हम लोग एक बार डबल फोल्ड कर लेंगे, ऐसे करके उल्टा फोल्ड. ये उल्टा फोल्ड क्यों कर रहे हैं ये मैं समझाऊंगी. उल्टा फोल्ड हमने इसलिए किया ताकि ये आराम से हम लोग बेंड कर सकते हैं इसके चारों कोने. ये दिखा, चारों लाइन ये बेंड हो रही है आराम से. Yes, yes. We can see, Jyoti. है ना? हाँ, वेरी गुड. तो ये चारों बेंड हो रही है ना? ये भी बेंड हो रही है, ये भी आराम से बेंड हो रही है. अब हम लोग क्या करेंगे ना, ये एक तिकोना, एक 1/4 पोर्शन हम लोग लेंगे, ठीक है? ये 1/4 पोर्शन हम लोग लेंगे, इसमें यहाँ पे हल्का सा अंदर की तरफ, ठीक है, अंदर की तरफ हल्का सा ग्लू लगाएंगे. ये मेरा फेविकॉल है. हल्का सा यहाँ पे एक लाइन के अंदर की तरफ हम लोग यहाँ ग्लू लगाएंगे, ठीक है? अरे अभी तो चल रहा था ये. ठीक है, अंदर की तरफ सबको दिखा? या कोई भी एक लाइन के अंदर की तरफ, और हम लोग इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे.
ये देखा ऐसे हो जाएगा कोई भी एक साइज को हम लोग ऐसे फोल्ड कर लेंगे, ठीक है राइट अब हम लोग वापस यहीं पे एक बार और अंदर की तरफ ग्लू लगाएंगे और ये वाला को भी फोल्ड कर देंगे ऐसे ऐसे, तो ये हम लोग को ऐसे आएगा। ओके इसको प्रेस नहीं करना है, ये वाला जो पोर्शन है ना इसको प्रेस नहीं करना है, ये हम लोग ऐसे करके रखेंगे खुला खुला। ओके इट्स लुकिंग लाइक अ पेटल राइट यस। सेकेंड वाला वापस रिपीट करिए ना प्लीज। हाँ अभी ये मेरा स्टिक हो गया, मैं दूसरे वाले पे वापस से रिपीट करती हूँ, ठीक है वॉट एवर द फुल मतलब जो भी हमने किया वो पूरा प्रोसेस मैं दूसरे पे रिपीट करती हूँ। ये राउंड लिया है, इसको हमने हाफ फोल्ड किया, फिर इसको हमने हाफ फोल्ड किया, ठीक है उसके बाद इसको हमने खोल लिया और सॉरी ये ऐसे फोल्ड किया और ये ऐसे फोल्ड किया, इसको खोल लिया फिर इसको रिवर्स फोल्ड किया, जहां पे फोल्ड्स पहले आए थे वहीं पे हमने पहले रिवर्स फोल्ड कर लिया। रिवर्स फोल्ड करने का रीजन क्या है कि वो फ्लेक्सिबल हो जाएंगे उसके फोल्ड्स, ठीक है ऐसे। अब ये फर्स्ट टाइम में हो गया, ये यहाँ पे हमने ग्लू लगाया, मेरा ग्लू को कुछ हो गया है। आंटी लाइक दिस, वन सेकेंड बेटा वन सेकेंड। यस वेरी गुड शानवी, शानवी बहुत स्वीट बच्चा है मेरा, सब क्लास मेरा अटेंड करता है वो, ठीक है। एंड दूसरा वाला जिन्होंने पूछा था, ये पहला वाला हो गया ना, दूसरा भी हम यहाँ पे जो ज्वाइन चुका है ना उसके इधर में हम थोड़ा सा ग्लू लगाएंगे, बस थोड़ा सा ग्लू बस ये यहाँ पे हम लगाएंगे बस, ठीक है। और इसको इससे दबा के यहां से थोड़ा सा अंदर करके ऐसे ज्वाइन कर देंगे और ये बन गया हमारा दूसरा पेटल, समझ आया। It's very easy, just you need to learn the technique. आ गया ना, ये दो पेटल बन गए हमारे, ऐसे करके हमको छह पेटल बना गए, ठीक है। मैं फिर से कर रही हूँ, आप लोग आराम से करिए, पूरे छह पेटल में बनाऊंगी यहाँ, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फ्लावर बहुत जल्दी बन जाएगा। और बाद में जो स्टिक पे लगाना होगा ना वो इकट्ठा एक ही बार में बताऊंगी, पहले दोनों फ्लावर बना दूंगी, स्टिक पे लगाना बहुत ईजी है, वो कोई प्रोसेस भी नहीं है इतना, ठीक है ये बन गया, ठीक है। अब हम इसको भी हम अलग अलग कलर के ले सकते हैं ना ज्योति, जैसे एक कलर का अलग अलग कलर, ऐसे तो शीतल एक मतलब एक फ्लावर में 10 कलर तो नहीं होते ना। ओके ये एक ही फ्लावर के अलग अलग पैटर्न, एक फ्लावर के ही अलग अलग पैटर्न बन रहे हैं, राइट राइट। इट लुक्स रियली नाइस इफ यू मेक इट इन रेड, रेड में मैंने अलग अलग कलर में ये फ्लावर बनाए हैं, बट इट लुक्स द मोस्ट ब्यूटिफुल इन रेड, रेड ओके रेड में ये इसका ना गेटअप ही अलग आता है एकदम, इसीलिए मैं पर्टिकुलरली मैं रेड कलर लेके आई हूँ। तो ये जो हम लोगों के ओरिगेमी क्राफ्ट पेपर्स आते हैं वो भी चलते हैं इसमें, यही है यही तो है वो ओरिगेमी है ये वाला, ये 200 GSM का पेपर है मेरे पास, क्योंकि ऑब्वियसली देखो मैं आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर हूँ तो मेरे पास तो ऐसे ऐसे पेपर मिलेंगे कि यू कैन नॉट इवन इमेजिन। ओके मतलब आई एम द फर्स्ट क्राफ्ट टीचर इन माई स्कूल जिसको प्रॉपर एक रूम दिया गया है। अच्छा हाँ मतलब मेरे से पहले जो क्राफ्ट टीचर्स थे वो अपना एक छोटा टेबल रहता था उस पर अपना काम करते थे, बट जब मैंने इतना इंट्रोड्यूस किया ये मतलब इतनी सारी चीजें मैंने स्कूल में इंट्रोड्यूस किया, देन आई वाज गिवन अ रूम आल्सो इन द स्कूल कि भैया इसका सामान ज्यादा है इसको रखने के लिए जगह चाहिए, राइट राइट सो इट्स लाइक दैट। वाओ आंटी हाउ मेनी पेटल्स डू वी हैव टू मेक? सिक्स बेटा, सिक्स सिक्स। थैंक यू। ये देखो इतने सुंदर सुंदर पेटल बन गए, ऐसे बहुत सुंदर लगेंगे ये पेटल्स बन गए, है ना। सी तीन मेरे हो गए, who is the fastest, let's see Meenal ji, let's see acha koi Bangalore mein hai mujhe ab bhi pata chal gaya, bolo
But really, Krishnaji, इतना you so enterprising, really. Yes. That's up to you. वो कुछ ना कुछ नया करती रहती है, कुछ ना कुछ नया, और कहाँ कहाँ जाके कंपटीशन, हम लोग को तो पता भी नहीं चलता कौन सा कंपटीशन कहाँ हो रहा है, और इनको तो प्राइज भी मिल जाता है सब. ओह माय गॉड, रियली अमेजिंग. या सो आशा इज आस्किंग समथिंग, व्हिच पेपर यू आर यूजिंग? आई एम यूजिंग ओरिगामी पेपर आशा, वो जो आता है ना आजकल 2-3 रुपए में मार्केट में मिलता है, A4 शीट. सेम पेपर, कुछ है नहीं स्पेशल, देयर इज नो स्पेशल पेपर. It's normal. Origami. किसी को, किसी के पास ये वाला ओरिगेमी नहीं है और कुछ पुराने पेपर में से यूज करना है, जैसे वो ग्लॉसी है तो वो भी कर सकते हैं ना आराम से. वो छोटे वाले आते हैं 15 रुपए में 10 पीस ओरिगेमी, वो भी यूज कर सकते हैं, बट उसमें अलग अलग कलर्स आते हैं सारे. राइट. तो इफ यू वॉन्ट टू प्रैक्टिस इनिशियली आप उसी पे भी कर सकते हैं. यही चीज अगर आप डोमिनोज और पिज्जा वालों का, वो तो अगर सुन लेंगे तो मेरे को वैसे ही बायकॉट कर देंगे वो. तो अगर उनके उनके पेपर एवर लास्टिंग हो जाएंगे, अदरवाइज तो डस्टबिन में ही जाते हैं, रिसाइकलिंग में भेज देते हैं हम लोग तो. ये बहुत मजेदार है. I mean, I really love making this flower. और मेरे को ना ये एक ये फ्लावर और एक है ना कोई कुसुडुमा फ्लावर करके आता है, वो भी मैं सिखाऊंगी प्रोबेबली इफ पीपल आर इंटरेस्टेड. मे बी नेक्स्ट वर्कशॉप में ना अनदर टू टाइप ऑफ फ्लावर्स आई डू. ओके. अगर ये वाला का क्या देखते हैं, आई मीन इफ पीपल रियली वांट देन अनदर टू टाइप ऑफ फ्लावर्स आई कैन डू. बहुत सुंदर फ्लावर्स बनते हैं यार पेपर के फ्लावर्स तो, लाइक दे ब्यूटिफुल. एंड स्पेशली कैलकाटा में ये हैम्पर्स वैम्पर्स का बहुत ज्यादा चलन है ना. हाँ. मैं ये सब हैम्पर्स, ये शादी के ट्रे बनाना, यू नो विच ईयर आई फिनिश दिस वर्क, ये सब काम करके कब, कौन सा साल मैंने खत्म किया है. 1995. ओह वाओ. मेरा एज नहीं, आप ये सब कर रहे हैं. नहीं मैं ये सब कुछ नहीं कर रही थी. मैं आई वॉज डूइंग माई इयर्स दिस थिंग डिप्लोमा इन फैशन डिजाइनिंग. ओके. इन द मीन टाइम वो शादी की ट्री बनाना, ये कहीं से लाइक यू नो फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के ऑर्डर्स. फिर बाद में मैंने अपनी बुटीक कर ली थी दिल्ली में, मेरा शाहपुर जाट में बुटीक था 5 years. ओके ओके. फिर मैं बस हो गया तो बस जाना पड़ा मुझे, लगन हो गया. लगन हो गया. यस. No, but you have that artistic mind and hands both. I was working 2 years. I was in London. वहाँ भी मैं काम कर रही थी. But I was working in a different field. I was working there. फिर वापस आई. फिर कीड़ा तो था ही ना. फिर कहीं ना कहीं तो निकलना ही था. मुझे भी इतना मन करता है ये सब बनाने का, बट ड्यूरिंग द वर्कशॉप पर नहीं कर सकती, बट बाद में करती हूँ मैं सब ये वाला यूज. नो नो, इट्स रियली अमेजिंग, बहुत मजा आता है. और मेरे को तो आई लव टू क्रिएट समथिंग और द अदर एवरी डे, मुझे लगता है कुछ ना कुछ बनाना चाहिए. सेम ईयर आपका माइंड एक्टिव रहना चाहिए बस. मेरे को कहां कहां से लोग आजकल अप्रोच करने लगे. कल रात को मेरे को 2 ट्रे और 2 सेट ऑफ पोस्टर्स का ऑर्डर आया फ्रॉम समबडी आई डोंट इवन नो. Okay. And she tell people will just transfer money. कि भैया पहले, अरे you don't even know me. Okay. 50% advance दिए जो, like you know what if I nothing. They said no no it's okay. Yeah. And आज मेरे को आया for corporate gifting कि भैया आप startup kit बनाते हो क्या? मैंने कहा वो सब नहीं करती अब मैं. No I but I don't do startup kit. अब मैं कितना कितना काम करूँगी? No you should hire some staff or you should train some people with you. अरे नहीं कितना, जिस दिन the day I start you know. किसी को मैंने सिखाना ये शुरू किया ना, वो सारी खुद ही फन्ने खां बन जाती है. राइट. सो एक्चुअली देयर इज अ रिस्क. हाँ. सो आई एम हैप्पी कम हो लेकिन मेरे मन का काम हो. एंड मेरे को जो काम करने पे आता है किसी से करा के मैं कैसे भेज दूंगी अपना नाम नहीं आएगा. एंड एवरीवन लव्स योर वर्क बिकॉज ऑफ योर पर्सनल टच. Exactly. Yes. मैं कैसे किसी का नाम पे अपना नाम डाल के भेज दूंगी कि भैया नॉट एट ऑल. यस यस वेरी ट्रू. सो एनीवे ये हो गए मेरे 6 हो गए. हु फिनिश्ड 6? देखो मैंने बीच में काटा भी है तो भी मेरे 6 हो गए.
This is the difference between novice and expert, right? So I think many of them are doing with you, Jyoti. No problem. Yeah. I'm not in a hurry. जो स्टिक वाला काम है वो लास्ट में मैं एक ही बार बताऊंगी ताकि सब लोग दोनों right. स्टिक का सेम ही बनेगा तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ऑन दैट. इसके बाद एक और फ्लावर सिखाऊंगी एंड देन वी कैन डू द मेरा हो गया छह. यिप्पी कांग्रेट्स क्लैप फॉर हर. गुड वेरी नाइस वेरी नाइस. चार येलो और दो पिंक है क्योंकि येलो पेपर खत्म कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो एक येलो एक पिंक एक येलो एक पिंक करके कर लेना कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा बाद में और आप करते रहना. ये अंजलि इज जॉइंट फ्रॉम दिस थिंग क्या पटना अंजलि यस यस ज्योति जी हाँ चलो शी इज जॉइंट फ्रॉम पटना अंजलि ओके सो वी हैव पार्टिसिपेंट्स अक्रॉस इंडिया. ये मेरी स्टूडेंट रह चुकी है बट ये खुद इतनी टैलेंटेड है ये खुद इतना काम करती रहती है रोज रोज कुछ नया ये यू नो शी विल कीप ट्राइंग एंड यू नो शी विल नॉट ओनली ट्राइंग शी विल मेक. ओके आई एम रियली इंप्रेस्ड विद हर लाइक यू नो मेरे साथ क्लासेस करी वो बात अलग है बट बहुत टैलेंटेड है अंजलि रियली. सो अंजलि आर यू अ मेंबर ऑफ बीजम? नो मैम. ओके देन I'll send us a link. Join the WhatsApp group. Yeah, join the WhatsApp group and share your work with others. Okay. So that okay. people can know कि भई आप क्या करते हैं और कितना नया चीज और सीख सकते हैं लोग आपसे भी. Okay. She's very talented. Yeah. बहुत talented. Good. Shanti, over. Thank you. Let's do now. Come on. So अब हो गया. Hi, Jyoti. किसका हो गया? Hi. Renuka here. Hey, Renuka. Yeah. Hi Renuka, please switch on your videos na so that Renuka, we can see each other. Renuka, ji, घर में ऐसे बैठे हुए कमरे जैसे. हम लोग कौन सा ये वाला? तो ये आपके लिए है. जब आप प्लेटर्स बनाओ ना चारों तरफ इसका ना पूरा बना करके डालो. लुक रियली अमेजिंग. इसका जो बेस बनता है ना, आई जस्ट गेट वन सेकेंड. आई गेट इसका जो मैंने बेस बनाया ना, आई शो यू. मेरा भी फिक्स हो गया. Those who have done their flowers na, एक बार वीडियो ऑन करके थोड़ा बता दीजिए so that she can know कि आप लोग बना रहे हैं. इसका बेस देखो आप. ये एक्चुअली थोड़ा डिस्कलर हो गया. काफी दिन पहले मैंने बनाया था ना वो कुछ कैफे का था. बट सी सो ब्यूटिफुल इट लुक्स. ब्यूटिफुल. Yeah, really nice, यार. हाँ. बहुत ही सुंदर. तो इसका बेस देखोगे ना ये these are very good as base flowers. Base flowers. जैसे आप अपने platter की चारों तरफ लगा दिए. And they add a lot of personal touch and glamour. नहीं gift pack करने के बाद भी आई पे एक उसको एक थोड़ा shape देके बना लीजिए तो भी बहुत सुंदर लगेगा. देखो ये same flower है सी. जोले मिनो. Oh wow. This is the same flower. जो बना रही तुम? हाँ वही है. ये वही फ्लावर है जो बना रहे वही फ्लावर है. ओके ओके. वो अपसाइड डाउन करके पेस्ट किया क्या? हाँ नहीं पेंट कौन किया है? पेस्ट. हाँ ये देखो सेम फ्लावर है. रियली नाइस. या इट्स ब्यूटीफुल. यस सो इट्स रियली अमेजिंग लाइक यू नो. और हम लोग आज ये वाला सीखने वाले हैं. एक और ये पेपर का मैं बता रही थी ना. सी द सेम फ्लावर आर मेड इन पेपर. थोड़ा वैसा हो रहा है ये. अच्छा सेम फ्लावर आर मेड इन पेपर. और ये सेम रोज जो आज हम करने वाले हैं दैट इज इन पेपर. इनके भी बहुत सारे स्टार्स हैं. सी या गुड़िया में आप खरे मंगा भी तो आगे ऊपर ना एडवर्टाइजमेंट पेपर की दो. पैसा कौन दिया? बड़ा शरीर. तो अभी हम लोग स्टिक करना शुरू करते हैं. कैन वी स्टार्ट स्टिकिंग? यस यस. तो ये एक पूरा ये साइड है ना जहाँ पे हमने ऑलरेडी स्टिक किया हुआ है. ये साइड दिख रहा है जहाँ हमने ऑलरेडी स्टिक किया हुआ है उसके इस तरफ आप थोड़ा सा ग्लू लगाएंगे. हार्ड म्यूट कर दो एक बार मेरे ख्याल से शीतल. ये हम लोग यहाँ पे ग्लू लगाएंगे और एक दूसरा तुम अनम्यूट करो ज्योति. अनम्यूट योरसेल्फ. हाँ सो ये वाला साइड जो है ना ये वाला साइड
जहां पे हमने ऑलरेडी स्टिकिंग करी है, दिख रहा है ना? राइट, इस तरफ हम थोड़ा सा ग्लू लगाएंगे, यहाँ पे हल्का सा ग्लू लगाएंगे और एक लेकर के यहाँ पे ऐसे करके चिपकाएंगे ताकि ये पूरा एज इट इज इधर आए, और थोड़ा सा इन दोनों के बीच में ये जगह है ना, इसको लेके थोड़ा प्रेस कर देंगे ताकि वो स्टिक हो जाए एकदम इजीली, ठीक है? और ये देखो ये फ्लावर हो गया। अब यहाँ पे इस तरफ फिर वापस से ग्लू लगा के थर्ड पेटल हम चिपकाएंगे। ये मेरे ख्याल से सबको समझ में आएगा कि ये सारे एक साथ होने हैं, है ना? हाँ, ये मेरे ख्याल से सबको इजीली समझ में आएगा कि ये हम लोग को सब साथ में होने हैं। फिर हम यहाँ पे फोर्थ का फिफ्थ पेटल लगाए, फोर्थ पेटल लगाएंगे, फिर हम लोग यहाँ पे फिफ्थ पेटल लगाएंगे। कहाँ गए मेरे पेटल? वो ये रहे। और एक और पेटल कहाँ गया? उड़ गया। क्या हुआ ज्योति? कुछ खो गया, पेटल खो गया। फैन चल रहा है ना, वो उड़ गया होगा। हाँ, फैन चल रहा है, ठीक है। आपके राइट साइड में उड़ते गिरे, आपके राइट हैंड साइड में नीचे की तरफ देखूंगा, राइट हैंड साइड। Who was that? How nice, मिल गया। And then we'll put the sixth petal, जो ये तरफ भी और ये तरफ भी glue करके, and we will just put this together. ये बन गया देखो। Wow. थोड़ा सा इसको ना दोनों के बीच बीच में हल्का हल्का प्रेस करेंगे, ये वाले जो दो पेटल के साइड वाले है ना उनको प्रेस करेंगे। डोंट प्रेस दीज। इफ यू प्रेस दीज ना तो वो चिपटे से हो जाएंगे, अच्छे नहीं लगेंगे। वेरी नाइस, ही शांति का बन भी गया। एंड ये देखो, so it's very actually very easy and it's actually not taking much time, huh? बहुत फटाफट भी बन जाता है। और ये बना करके आपको मन है तो इसके ऊपर थोड़ा सा ऐसा करके ग्लू डाल दो, हाँ, और एक पुट्टू सा इसमें। Wow, really beautiful. Yes, it's looking amazing. बताओ अगर इनका आपके प्लेटर के चारों तरफ ये लगाएगा तो क्या गजब लगेगा। हाँ हाँ, बनाऊंगी तो तेरे को भेजूंगी फोटो, पक्का। हाँ पक्का। सी नाइस ना, ठीक है, ये एक फ्लावर बन, ठीक है। अब हम लोग फ्लावर नंबर टू शुरू करेंगे। कौन से कलर में बनाऊ? मैं पीच कलर में बनाती हूँ। आई लाइक पीच कलर, वेरी पीच कलर। बोल बोल। इनके मतलब कुछ थोड़े बड़े बच्चे हैं ना, उनके पास भी ये काफी सारे पेपर्स होते हैं क्योंकि ये स्कूल में लेना कंपलसरी होता है। कंपलसरी होता है स्कूल में, कंपलसरी लेना होता है। फिर यूज तो होता नहीं है, तो मेरे खुद के पास कितने पेपर्स पड़े हैं, दो है, यंग एडल्ट्स बॉयज नाउ पड़े हैं, एंड स्टिल अब कौन ढूंढेगा बोल करके मैं मार्केट से अभी पूरा नया ये लेकर के आई हूँ। नो, बट यू हैव टू बाय इट बिकॉज आपका तो रोज का काम है, यू नीड इट। स्टेशनर्स इज वेरी लाइक यू नो इज वेरी सपोर्टिव ऑफ व्हाट आई डू, तो मेरे को कहता है कि आपको जितना पेपर निकालना निकालो, बाद में गिन करके ना मुझे वापस दे देना। मैं कहा एक बार जो चला जाता है ना वो वापस नहीं आता आपके पास। यस, इसीलिए मैं बोल देता हूँ आपको कि वापस कर। राइट राइट, ठीक है। नाउ वी हैव टेकन दिस पेपर, मैंने दो शीट या तीन शीट निकाले जो भी, पर हम लोग पहले फर्स्ट शीट लेंगे, ठीक है। एवरीबॉडी हैज फिनिश्ड द अदर फ्लावर, कैन वी मूव ऑन? सानवी आपका हुआ बेटा? अच्छा कर ले बेटा, कोई बात नहीं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, यू कैन ऑलवेज मैसेज सेपरेटली। मैंने एक मनाया डॉट मंडाला। अरे वेट वन सेकंड, इसको स्पॉटलाइट। मेरा हो गया ज्योति जी? हाँ मेरा हुआ, देखिए। हाँ हुआ ना, अरे कितना बढ़िया। आप ज्योति जी क्यों बोल रहे हैं आप? विकास ज्योति तो नाम है मेरा। मैंने कर दिया ज्योति, उसको स्पॉटलाइट ऐड कर दिया है, ऐड कर दिया मैंने उसको। ओ सो ब्यूटीफुल, बीच में शीशा लगाया है क्या? हाँ नहीं नहीं नहीं, कलर व्हाइट कलर है, बहुत सुंदर बना है, वेरी नाइस। तो पोस्टर है दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग। पोस्टर है शांति, पोस्टर है, पोस्टर, पोस्टर है, बहुत सुंदर बना है आपकी लाइन। व्हाट इज द बेस?
क्या बोल रहे हो शांति? व्हाट इज द बेस? व्हाट इज द बेस? बेस एमडीएफ 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 या वाओ शांति, इसके जो ये आए है ना, जो छोटे से बड़ा जो आपका आया है, हाँ हाँ, दैट्स रियली ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा आया है वो. थैंक यू. मैंने एक्चुअली दो बॉटल बनाई पर वो मेरी नेबर ने ले लिए, नहीं तो आपको वो दिखाते हैं. फोटो नहीं रखते हो? मैं तो हर लाइन पे फोटो खींचती हूँ. फोटो है, फोटो है, एक मिनट रुकिए. फोटो या आप ग्रुप में शेयर कर लेना, ग्रुप में शेयर कर, ग्रुप में शेयर कर लेना. या बहुत अच्छा, लाइक यू नो रियली नाइस. डॉट मंडाला में तो मेरा ऐसा, मतलब मैं घुस चुकी हूँ ना. मंडाला बहुत बनाया, पेपर मंडाला तो मेरा भर के है. हाँ पेपर तो मेरा भी पूछो मत, पेपर तो अब मेरे को यहाँ पे ना ये हो गया, दर्द हो जाता है, तो पेपर वाला तो मैं भैया जो बहुत ही स्पेशल ऑर्डर और अच्छे रोकड़ा ढीला करता है बस उसके लिए बनाती हूँ मैं. यस No, but it's so nice na, ki people are actually paying for the art. ऐसा नहीं था पहले, लोग famous paintings को ही खरीदना चाहते थे, बट locals का और अपना जो handcrafted है वो चीजों का इतना importance नहीं था. And somebody was like really ready to pay, then I you know strained my hand ki acha theek hai main bana dungi, to wo like you know I'm a marwadi by heart. मैंने ठीक है, पहले इसको हाफ फोल्ड करते हैं, फिर इसको और हाफ फोल्ड करते हैं, ठीक है, सेम प्रोसेस, बट हमने उसमें सर्कल बनाया था, इसको हम स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है. अब स्क्वायर कैसे बनता है सबको मालूम है, एक मिनट लेटर. स्क्वायर कैसे बनता है, इसको यहां से एक ट्रायंगल कर देते हैं, ठीक है, और ये एक्स्ट्रा पोर्शन कट कर देते हैं. मैं ना बहुत फास्ट वाला चीज बनाती हूँ, मैं ना उतनी वो टेक्निकल हूं नहीं कि इतना नापो और इतना करो और इतना, मेरे से होता नहीं है भैया, ठीक है. मैं सिंपल सा बताती हूँ, अब इसमें ये चार निकल गए, इसको कट कर लो तो आपके चार स्क्वायर्स आ जाएंगे. वो 4x4 में ना पता चलेगा किसी का 4x4 नहीं होता है तो लोग स्ट्रगल ही करते रहते हैं, उतना हाँ. दिमाग ही नहीं लगाना. नहीं बहुत इजी टेक्निक है और बहुत आराम हाँ. से बहुत अच्छे से हो रहा है. बस बस बहुत इजी, मैं ऐसे ही मेरा यही है. मैंने ना कभी कहीं पढ़ा था कि जो अगर काम है ना जल्दी करवाना ना तो किसी लेजी आदमी को दे दो, okay. काम अच्छा भी करके देगा और जल्दी भी करके देगा, जल्दी भी करके देगा, राइट. He will find a way to, you know, he will find an easy way out. Yeah. So, हमको ये स्क्वायर्स नहीं मिलते हैं मार्केट में एक्चुअली. देखो बड़े वो ओरिगामी शीट्स में स्क्वायर्स आते हैं, right. है ना, वो जो 6x6 या 8x8 के स्क्वायर आते हैं, पर एक वो पेपर बहुत रफ होता है और दूसरा वो पेपर मतलब वो बहुत एक्साइटिंग नहीं होता है कि okay. वो फ्लावर आप बना सके उसका, एंड कलर्स भी उसके बड़े डल से होते हैं ओरिगामी वाले में, राइट राइट. तो मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद है, तो मैं बच्चों को भी बहुत बोलती हूँ कि भैया तुम लोग अवॉइड करो. एंड आई टेक एवरी वीक, अभी तो नहीं पर जब स्कूल खुला होता है तो एवरी वीक आई टीच 350 चिल्ड्रन इन द स्कूल. ओके 35 इन अ क्लास एंड 10 सेक्शंस आई टीच. वाओ, तो यू मस्ट बी मिसिंग योर स्कूल ना ज्योति. ओ डोंट आस्क मी. और वो ना इतने छोटे छोटे बच्चे होते ना, वो गंदा चिप्स का पैकेट खोल के उसमें चार बार ऐसे डाल देते हैं हाथ, फिर भी आके देंगे मैम प्लीज टेक, मैम शर्म कर रहे हैं. बट वो इतना मजेदार, मतलब यू नो द होल एक्सपीरियंस इज लाइक माइंड ब्लोइंग. यस ठीक है, ये 6 पेपर हो गए सबके. या आई थिंक दोज हु आर डूइंग विद यू दे आर रेडी विद देयर पेपर्स. यस 8 8 है तो 8 ही ठीक है, नो प्रॉब्लम. अब हम लोग क्या करेंगे इसका, 8 से भी ज्यादा चाहिएगा क्या? लेट मी थिंक अबाउट इट. ओके, नो 8 इज इनफ. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, एक पेपर है इसको पहले हम लोग हाफ फोल्ड करेंगे. हाफ तो ऑलरेडी सबका निशान बना हुआ है ना. Yes. हाफ फोल्ड करेंगे, उसके बाद फिर एक और हाफ फोल्ड करेंगे और फिर एक और हाफ फोल्ड करेंगे, तो इतना सारा फोल्ड आएगा. तो हमने क्या किया, पहले हम स्क्वायर पेपर था
उसको हमने आधा फोल्ड करके ट्राइंगल बनाया, फिर हम दूसरा ट्राइंगल बनाए, फिर हम तीसरा ट्राइंगल बनाए, ओके ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा हम पेंसिल लेके ना वी विल मेक अ पेटल लाइक दिस, हम आपको बना के दिखाते हैं ताकि आप लोग को पेन से क्लियरली दिखेगा, पेंसिल से ना दिखेगा। ये ऐसे करके पेटल पे पेटल बनेगा, ये दोनों साइड सेम होगा तो ये पेटल अपने आप इवन आ जाएगा आप लोग का, ओके ठीक है। ये दोनों साइड का पॉइंट सेम रहेगा ना तो अपने आप आई थिंक सबको सब बड़े हैं सबका आराम से आ जाएगा, ठीक है। हाँ, और फिर इसको हम लोग, ये पेटल कौन सी तरफ की है, ये जो खुला साइड है या बंद साइड? बंद साइड नीचे रहेगा, सॉरी बंद साइड हमेशा नीचे रहेगा, जो बंद साइड है उसको कुछ नहीं करना है हम लोग को। ज्योति यू नीड टू कीप योर हैंड्स लिटिल डाउन, ये बंद साइड जो है ना ये नीचे रहेगा, ये पॉइंट है जहाँ पे सब पेटल्स मिल रहे हैं ये बिल्कुल नीचे रहेगा, और ये खुले वाले साइड में जो है ना जो खुला साइड है खुले साइड में पेटल बनेगा, राइट राइट ठीक है। एंड देन वी विल कट दिस आउट, अब ये जब खुलेगा तो ये यू खुलेगा, ठीक है। वाओ, ओके, वी विल जस्ट कीप इट क्लोज इट एंड कीप इट राइट नाउ, ठीक है। अभी हम लोग इसका कुछ नहीं करेंगे, और ये सेम का पेटल हम 6 या 8 पेटल जो भी हमने काटा है बाकी सबसे भी इसको रख के इसको हम लोग को आधार बनाना है, और सारे पेटल इसी साइज के ही होंगे, राइट ठीक है। एक अगर आप ठीक बना लेते हैं तो बाकी के सब भी ठीक ही बनेंगे, एग्जैक्टली यस। चलो फटाफट मैं बना रही हूँ, आप लोग भी बना लो। दो बन गए मेरे फटाफट, यस। मेरा भी 3 हो गया। अरे वाह शांति, यस गुड। अब आप कंपटीशन का वो ले आए ना, इसलिए जल्दी फीलिंग आ गया ना, वो ही मजेदार है। उसका मजा अलग ही है। हाँ मैडम, आपसे पहली बार मिल रहे हैं ना? यस, कल आपसे बात किए थे ना, शॉप में गए थे तो कल आपसे बात किए थे फोन पे, हम खरीद फोन की थी। हाँ हाँ हाँ, झाड़ू का सिक्की हम बोले थे ले लीजिएगा, हर चीज सीखने का। एक्चुअली ना अंग्रेजी में बोलना पड़ता है, क्लास व्लास में जब लिखे ना तो स्क्यूअर्स लिखना पड़ता है, बाकी झाड़ू का सिक्की भी सेम काम करता है। हाँ अरे वो दुकानदार समझ नहीं रहा था क्या है। एक्चुअली कबाब वबाब में नहीं बनाते हैं हम लोग, वो जो वुडन वाले आते हैं जिसमें कबाब वबाब डाल के, हमसे तो बनता नहीं है। मेरे पास ऐसी स्टिक्स है ऑलरेडी। हाँ तो फिर ठीक है, फिर क्या प्रॉब्लम है, वही है और वही है वही है वही है। कबाब बनाने के बाद उसकी स्टिक्स को रीयूज कर सकते हैं ज्योति इसमें? कबाब अगर बन गए हैं उसके बाद उसकी स्टिक्स को रीयूज कर सकते हैं इसमें? खाने के बाद यहाँ पे भेज देना उसके बाद। अच्छा राइट, ऑफ कोर्स यू कैन यूज इट, वॉश करके यूज कर लो। कौन सा वॉश करके रीयूज? यस यस, नथिंग इज नॉट गोइंग टू स्पॉइल बिकॉज वी ऑलवेज से रीयूज रिड्यूस या ऑफ कोर्स रिफ्यूज या, सो इन व्हाटएवर वे यू कैन डू। हां यस, अच्छा मैंने वो जो प्लास्टिक बैग्स देना जो शुरू किया था, सब शॉपकीपर्स मेरे से बहुत खुश है,
और मेरे को देख के काफी कस्टमर्स देना शुरू किए हैं. यस इट्स अ वेरी नाइस इनिशिएटिव एक्चुअली. हां बट शीता यू आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब यार. Yeah, actually I have very nice and supportive community actually अभी जो है ना, those who want to listen, those who want to change their lifestyle actually. वही है, ये देखो कितना सुंदर लग रहा है फूल, स्टिक हो गया. Yes, 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 beautiful. चलो ये हो गया सबका. Yeah, I hope so. छह हुआ है, छह हो गया, आठ करना है ना. हाँ, दो और बाकी है. और अगर हम लोग ही सब मिलके इस तरह का कोई ट्रेंड शुरू करते हैं कि हम लोग खुद ही फ्लावर्स के, खुद ही पेपर के फ्लावर्स बनाएंगे और इसी के बुके हम लोग एक दूसरे को भी गिफ्ट में देंगे, इसके साथ में नो डाउट यू कैन ऐड योर एडॉन्स, जैसे आप चॉकलेट्स देना चाहे, जो भी खाने की चीज देना चाहे, जो भी यूज हो सकती है ऐसा दीजिए, तो इट कैन बी अ प्योरली सस्टेनेबल गिफ्ट टू एनी वन एक्चुअली. यस So the idea behind this workshop is that only कि आप कुछ सीखिए और अपना personal touch देके लोगों को gift करिए. रेनुका का next time आएगा. रेनुका का next time आएगा. Yeah, रेनुका please share your pictures in the group. First time yeah, when she did a platters and all, मंडाला बनाई थी उसमें एकदम बढ़िया. I was so impressed. मेरे को इतना दिल को एकदम तसल्ली हुआ देख के कि भैया ऐसा ही मंडाला बनाई थी. इतना अच्छा से दिखाई दे. मेरी कब से उनसे बात हुई थी तो मेरा सेटिंग नहीं हो रहा था, बट शी वॉज रेडी टू डू द वर्कशॉप. So yeah, yeah, we are lucky to have Jyoti with us. Yes. Yeah, yeah, she's very nice. Yeah, I think Jyoti, many of them are ready with their flowers. हाँ ठीक है. तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग, ये एक फूल हो गया अब हम लोग का, ठीक है. We finish this. Shanvi, are you still doing the purana flower, beta? Yes, auntie, but I'm left with only two. Okay, do it. Never mind. So in case you want to, we want any help after the class also, na? Just call me. I will do it on a Zoom call with you separately. Okay? Okay, yeah. Beta, no problem. And I have only done four of them because I don't have more papers right now in the same. अच्छा बेटा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. You can use some other color also. No problem, beta. Okay, then I can use blue. Yeah, you use another paper. Next time you get the proper papers and then you can do what you want. No problem. Jyoti, your screen has got blank. हाँ, because yeah, because ये कोई मेरे को phone करने की कोशिश कर रहा है. Nice. Okay, fine. Now the thing is, see now. ये वाला हो गया. अब हम लोग इसमें क्या करेंगे ना, इसमें हम लोग क्या करेंगे, वी गो टू कट वन पेटल. हाउ आर वी गोइंग टू कट, यहां से लेके सेंटर तक, यहां से लेके सेंटर तक. ये मैंने अभी अटैच करके रखा हुआ इसको आपको दिखाने के लिए. okay. एक पेटल हम इसमें से कट कर देंगे तक, दिख गया. right. कितना पेटल कट किया, सिर्फ एक, ठीक है, एक पेटल कट करके उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला पेटल पे ग्लू लगाएंगे अच्छे से, मतलब सब तरह पूरे पेटल पे अच्छे से ग्लू लगाएंगे और ये वाला पेटल हम लोग ओवरलैप कर देंगे. पेटल के ऊपर पेटल प्रॉपर आएगा, समझ आया सबको ये स्टेप, राइट? प्रॉपर पेटल के ऊपर ये हमारा जो पेटल एक कट कर दिया हमने, उसके बाद एक पेटल पे हम ग्लू लगाएंगे इस तरफ वाले पे और दूसरे वाले को ऐसे करके इसके ऊपर पेटल के ऊपर पेटल, तो ये ऐसे आएगा. ओके, दिख गया सबको? यस यस, गुड. अब इसको क्या करेंगे हम लोग, जो अगर आपके पास स्क्यूअर्स है तो स्क्यूअर्स, पेंसिल है तो पेंसिल, या जो भी कुछ है. नॉर्मली क्या होता है कि इसको करने के लिए ना बाजार में टूल्स भी आते हैं, यू नो, वेयर यू पुल द पेटल्स, वेयर यू पुल द यू नो पेपर एंड इट फोल्ड्स, ठीक है, वो अब हम लोग के पास है नहीं. हम लोग उसमें क्विलिंग में होता है, क्विलिंग में होता है. ये क्विलिंग वाला टूल नहीं, ये आपका तो वो क्विलिंग वाला टूल है ना शांति, की मंडाला टूल है. स्क्वायर बोला तो एक दुकान में ये दिया मेरे को. नहीं, आप सिर्फ एक पेंसिल लीजिए और पेंसिल लेके हर पेटल को बाहर की तरफ थोड़ा सा फोल्ड कर दीजिए.
अगर स्क्यूअर्स है तो मच बेटर कि आप स्क्यूअर्स ही ले लीजिए। मेरे पास जैसे ये है ना, ये स्क्यूअर्स है, ये देखो ये देखो ये देखो। हाँ देन यूज इट बेटर, यूज द स्क्यूअर्स। वाओ सच अ ग्रेट आइडिया। हाँ यू जस्ट टेक स्क्रूअर से आप उसको पूरा शेप चेंज कर सकते हैं। बस ये देखो ये कितना सुंदर लग रहा है, ठीक है। यस ये ऐसे बनेगा, एक ये बेस हो गया, ठीक है। okay. अब हम लोग इसको साइड में रख के हम लोग दूसरा वाला फूल लेंगे, ठीक है। दूसरा फूल से हम लोग दो पेटल कट करेंगे। ओके ठीक है, एक एक दो। हाँ मम्मी, हाँ अदिति ट्रे लेगी मम्मी, दो ट्रे। मम्मी वहां क्लास है मेरी, मेरी क्लास है। ये है ना, ये दो दो पेटल यहां से कट कर दिया हमने। अब वापस से सेम प्रोसेस में ये और इसको हम लोग इसके ऊपर प्रॉपरली वैसे ही जैसे हमने वो वाला किया वैसे इसको इसके ऊपर ओवरलैप कर देंगे, ठीक है। अब तीसरे वाले में क्या करना है हम लोग को, कितने पेटल्स? तीन कार्टन। एग्जैक्टली, यू नीड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ पेटल्स, नंबर ऑफ पेटल्स दैट आर गोइंग टू बी कट, राइट। और जो कट वाले पेटल्स है उनको रखना, बाद में वो काम आएंगे, ठीक है। राइट, जैसे मेरा ये उड़ गया। ये क्यों उड़ जाते हैं? क्योंकि पंखा चलता है। कलकत्ता आना चाह रहा है उड़ के। कलकत्ता भेज देती हूँ मैं। ये देखो हो गया, दो हो गया। अब हम लोग तीसरा वाला लेंगे। एक्चुअली तीन पेटल भी बहुत है क्योंकि उसके अंदर वाला वो यूज होगा। इसमें अब तीन, वन टू थ्री पेटल हमने कट कर दिया, ठीक है। और ये इस पे लगा दिया खूब सारा ग्लू और इसको ओवरलैप कर दिया, ठीक है। Yeah, so we have joined actually so many people on Facebook live, even Jyoti, and awesome. One Bina is there, she is actually a member of our group, and even she is into paper making, she's writing in the chat that you can color edges of petals with pencil color, yes, or can. Oil pastel, You can to actually give, color give depth. जब हम लोग ये बनाते हैं ना, जब हम लोग यही बनाते हैं ना, वी कैन डू इट। क्या है ना शीतल, टाइम इज लेस एंड वी वांटेड टू कंप्लीट टू फ्लावर्स। ये मैं बाद में बताने वाली हूं, शेयरिंग हर आइडियाज। हाँ, सो दिस आई वांटेड टू टेल यू ऑल लेटर कि इफ यू ऑल वांट, जैसे यहाँ पे ना लाइक यू हैव दिस एंड आई हैव स्केच, यस आई हैव स्केच। तुम्हारे फ्लावर्स फिर उड़ गए ज्योति, और है कहाँ गया वो, एक बना हुआ, एक बना हुआ वो नीचे ही है। या अब चार कट करना है ना, हाँ उसके बाद चार, ठीक है, चार चार चार। सो बेसिकली व्हाट शी इज सेइंग कि हम लोग ये लेके ना वी कैन जस्ट गिव यहाँ पे, अरे यार जस्ट डिक्रीज द स्पीड ऑफ योर फैन ना, उस तो ये जस्ट लाइक दिस। ओके In case you want to do this, ठीक है? Okay. अगर ये करना है तो ये भी कर सकते हैं, और अगर सिर्फ edges color करना है तो हम लोग सिर्फ edges भी color कर सकते हैं। Okay, right, right. ठीक है? Yeah. Or if you want, you can color the edges also, no problem. Right, right. So it is either that, but अभी सबके पास उतना time हम लोग के पास होगा नहीं। Right. For us to actually, you know, get it done. No. First we should learn the basics. हाँ. Yeah. अब हम लोग इसमें से चार पेटल निकाल देंगे, ठीक है। बेसिकली चार निकालेंगे तो आधा आधा हो जाएगा। Yes. अब वो तीन वाला काम आ जाएगा ना बचा हुआ। हाँ अब ये हमारा, और लास्ट क्लास का जो तीन वाला जो है ना, उसको हम लोग जैसे कि वो मूढ़ी का ठोंगा नहीं बनाते हैं, Right. बस वैसे बनाना पड़ेगा हम लोगों को, वो इतना वो एज टू एज नहीं आएगा, सो वी विल जस्ट हैव टू मेक दैट। आई हैव मेड ऑल ऑफ देम। यू मेड ऑल ऑफ देम बेटा, सुपर्ब। देखा कितनी फास्ट है आज, या सुपर्ब गर्ल है।
ये दिया सब मेरी. अब हाँ, सो अब नाउ वी आर डन 1, 2, 3 and 4. कुछ गिरा नहीं है ना? नहीं, 4 भी फिनिश्ड है ना, ये सबको दिख रहा है मेरा. 2, 3, 4 सबका स्क्यूअर से प्लीज डू द आउटर एज. एंड देन ये वाला जो 3 वाला है ना, इसको ना बस ऐसे करके थ्री तक ही करना है कि 2 वाला भी करना है? कौन सा जो कोई फर्क नहीं पड़ा, बीच में बाद में देखिए ना कितनी जगह बची है, तो अगर 2 वाला भी करना है तो 2 वाला भी करके, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच स्पेस इज लेफ्ट इन बिटवीन. चिपकाएंगे कैसे? वो ठोंगा टाइप का बना के ना, कोन टाइप का नहीं बनाते मेहंदी का, कोन टाइप का. अच्छा अच्छा, वैसा बना लो. इट वोंट हैपन लाइक यू नो, वो फ्लैप होगा, फ्लैप नहीं होएगा, बट यू कैन जस्ट फोल्ड इट दैट वे एंड मेक इट. गॉट इट? सो नाउ वी आर डन, वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. जो सबसे बड़ा वाला है वो लेंगे, यहाँ पे ग्लू लगाएंगे, ठीक है? देन वी विल पुट जो उससे 2 नंबर है. जब हम लोग स्टिक करेंगे ना, तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि ये जो है ना हमारा एज, यहाँ पे एक कटिंग एज आएगा ना, ये जो यहाँ पे ऐसे एज दिख रहा है, इसके बीच में इसका पेटल लाना चाहिए. ओके, गॉट इट? या. वैसे फिर ये यहाँ पे ग्लू लगाएंगे हम लोग, फिर ये डालेंगे, तो इन दोनों के बीच में आना चाहिए, ठीक है? जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड बिफोर इट ड्राइज, देन वी विल पुट द 3rd वन, फिर ये ऐसे डालेंगे, ठीक है? ओके, इट्स टेकिंग शेप. है ना? एंड देन वी विल पुट दिस लास्ट वन, जो भी आप बनाए हो, ठीक है? वी विल पुट दिस, इसको ना थोड़ा सा हम लोग नीचे से कट कर लेंगे, नहीं तो हमारा स्क्यूअर्स इसे पास नहीं होगा, बिकॉज ये बहुत यू नो पतला है ना? राइट. देन वी विल पुट दिस. तो पूरे में से पास करना है हमको स्क्यूअर को? हाँ, वो बाद में लास्ट में होगा, वो ऐसे करके वो हो जाएगा, हल्का हल्का नीचे में कट करेंगे ना, पास हो जाता है. बेटर इट इज कि अगर वो टाइट है तो बेटर है. अच्छा, हाँ, तो वो स्टडी रहेगा. स्टडी रहेगा, हल्का सा कट कर सकते हैं यहाँ से, बस बस, दैट्स इट. वो बिंदु शाह थी क्या, वंशिका माधव? कौन बोल, किसके लिए पूछ रही हो? वो जो उन्होंने बोला ना अभी फेसबुक पे. नो, शी इज बीना, बीना, शी इज बीना कटाउंडी. या ओके ओके, या आई थॉट शी वाज वंशिका'स मॉम. ओह, वंशिका, इवन शी इज इनटू पेपर फ्लावर मेकिंग एंड क्राफ्ट आल्सो. वो तो सब चीज करती है ना, शी इज डूइंग एवरीथिंग. अच्छा, ओके, ये देखो. Wow, really pretty. इसमें ना इसको थोड़ा सा यहाँ पे glue डाल के, just to cover up, we can put another, you know, एक अच्छा सा मोती मोती कुछ रहा तो आप बीच में डाल सकते हो. Wow, बहुत ही सुंदर लग रहा है, and the color is actually very pretty. हाँ, yeah. Same way, see, शालिनी का हो गया, and same way. सेम वे इसके हाँ. भी बीच में स्क्वायर डाल के फिर हम लोग ये लगा सकती हैं, ठीक है? ओके, इसके भी बीच में स्क्वायर डाल के फिर ये लगा सकती हैं. हाँ, मेरा ठीक है. हाँ, बहुत सुंदर है. शानवी का देखो भैया, लुक एट शानवी. लेट मी जस्ट स्पॉटलाइट शानवी. या प्लीज, आज तो एकदम सुपर डुपर शानवी. जस्ट उसको थोड़ा टेढ़ा करके शो करो, करके ऐसे दिखा बेटा. देखो, हम दोनों का फोटो ले लो, शानवी का और मेरा. सी, वाओ. Just a moment. Let me take a picture. So cute. Thank you, Andy.
नाइस। तो ये ऐसे करके बन जाएगा बाद में ना। अब हम लोग को इसका लीफ बनाना मैं सिखा देती हूँ, ठीक है? लीफ एंड द थिंग हियर वी हैव टू ऐड ना। या तो वो भी हम लोग पेपर से ही बनाएंगे। हाँ हाँ, सब पेपर से बनेगा, लीफ भी पेपर से ही बनेगा। राइट राइट। तो ये मैंने ग्रीन कलर निकाल लिया, हल्का सा पतला सा एक स्ट्रिप काट कर लूंगी मैं। ओके। विल पुट सम ग्लू हियर और ये यहां से हम लोग बंद करेंगे इसको। कैन यू सी? कैन यू सी? या अब बस इसको घुमा लेंगे जैसे हम लोग बाकी सब में करते हैं ना। ओके, यू जस्ट नीड टू कवर द स्टिक। कवर द स्टिक। या या। नो नीड टू अप्लाई ग्लू फर्स्ट, लास्ट में फर्स्ट में हो गया और लास्ट। अच्छा, लास्ट में, पूरा में जरूरत नहीं है ना? पूरा में जरूरत नहीं है। राइट, वो कोई उसको हिला ही नहीं सकता फिर। अब ये लास्ट लास्ट में ना थोड़ा सा ग्लू लगा के जस्ट वाओ। एंड नाउ वी विल मेक द लीफ। लीफ के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी विल टेक सम पेपर। इतना चौड़ा हमने पेपर ले लिया, इसको भी आधा कट कर सकते हैं, ठीक है? आधा कट कर लेंगे, पेपर ले लिया। अब ओरिगामी में ना अलग अलग फोल्ड्स आते हैं, इसमें हम लोग करेंगे फैन फोल्ड। बचपन में सीखा था ना पंखा बनाना। पंखा बनाना, यस। तो फैन फोल्ड लिया ऐसे, फिर 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 ऐसे। थोड़ा सा जगह ये छोड़ देंगे हम लोग, ठीक है? थोड़ा सा जगह, ये दिख रहा है, हल्का सा जगह मैंने छोड़ दिया है, इसको फोल्ड नहीं किया, ठीक है? क्यों नहीं फोल्ड किया है? इसको हम लोग कट करेंगे ऐसे, ठीक है? और ये यहां से इसको खोल दिया, द लीव इज रेडी। यहाँ पे हम लोग इतने जल्द से जगह छोड़ दिया है ताकि यहाँ पे हम लोग आराम से अपना वो ग्लू ग्लू लगा ले और ग्लू लगा अच्छा। के उसको उसमें स्टिक कर सकती है। Right. जो स्टिक है ना उसमें आराम से, तो जैसे ये हमारा स्टिक है, इसमें हल्का सा ग्लू लगाया, इसको स्टिक कर दिया। उसको जो फोल्ड्स दिए हैं उस वजह से वो थोड़ा स्टडी रहेगा, राइट? हाँ राइट। एंड लुक नाइस आल्सो, वो लगेगा भी वो थोड़ा सा उस टाइप का। हाँ, लीफ टाइप का। हाँ राइट, वंडरफुल। ये भी फूल रेडी है और ये भी फूल रेडी है। ओके, सो वी कुड मेक एक्चुअली दो फूल, मेरे को इसलिए बनवाने थे कि एटलीस्ट दो फूल तो बनाए। हाँ, और बहुत सारे बनते हैं, देयर आर लॉट ऑफ फ्लावर्स व्हिच यू कैन मेक यूजिंग पेपर। नेक्स्ट टाइम अगर कभी होगा समवेयर, लाइक यू नो, नॉट इमीडिएटली नाउ, मे बी अ लिटिल लेटर, तो वी कैन, आई कैन टीच यू मोर फ्लावर्स टू मेक। पहले ये वाला यूज करते हैं, हम देखते हैं ये कहाँ यूज कर पाते हैं, हम यूज कर पाते हैं ये। तो इसको बुके में अगर हमको सेट करना है तो कैसे करेंगे, एक रफ आइडिया? बुके में तो ऐसे सेट होगा ना, बुके में तो ऐसे सेट होगा ना शीतल, यू कैन टेक दी ऑयसेस नीचे में लेके उसमें वो स्टिक हो जाएगा, ठीक है? और जो नेक्स्ट टाइम अगर हम लोग फ्लावर बनाएंगे, वो जैसे अपन वॉल डेकोर वगैरह करते हैं ना, दीवार पे, जैसे बर्थडे पे दीवार पे वो लगा दिया, right, बना सकते हैं। एंड दोज आर डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर्स, उसका बेस फ्लैट होता है,
इसका जैसा बेस फ्लैट नहीं है ना, ये रोज पेटल टाइप का है. हाँ वो जो बेस फ्लैट वाले होते हैं ना, वो नेक्स्ट टाइम पे यू कैन यूज ना, यू कैन यूज देम फॉर वॉल डेकोर और यू कैन यूज देम फॉर रंगोली, दोस काइंड ऑफ डेकोर यू कैन यूज देम. ओके ओके हाँ राइट राइट या सो इट वाज अ नाइस लर्निंग. आई थिंक एवरीवन हैज मेड दिस टू फ्लावर्स. या एंड जस्ट पुट वन दिस थिंग और मैं भी डाल देती हूँ ऐसे. देखो भैया मेरा फूल देखो दिखता है, इवन माय फ्लावर. Yeah. So cute. Very nice. Yes. I'm really yeah. impressed with Shanvi. I think she's the youngest here. आज वो सारी मेरी जो है ना क्या बोलते दिया पोपट वगैरह, दिया पोपट मैसेज्ड मी. Okay. This is the same class that you're doing. मैंने कहा okay. वो लोग सब एक्सपर्ट है. हाँ वो और सारे बच्चे मेरे एकदम रेगुलर. Yes. Yes. और रेगुलर टच पे एकदम. Yeah. वो कुछ भी करेंगे ना, एनीथिंग न्यू दे विल डू, तो सबसे पहले वो मुझे भेजेंगे, भेजेंगे और yes, वो इंस्टाग्राम yes. पोस्ट करके मुझे टैग करेंगे. टैग करेंगे. यस यस ऑफ कोर्स दे शुड डू इट. दे शुड डू इट. फील वेरी हैप्पी यू नो. सो मिनल संघवी हैज रेज्ड हैंड. या मिनल बाबू यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग. या अच्छा ये जो फ्लावर बना ना उसमें भी स्टिक वही हिसाब से नीचे से ऊपर. हाँ मैंने बोला ना ये लगाने के पहले स्टिक डाल करके फिर ये ऊपर लगा दीजिएगा अगर आपको उसमें यूज करना है. अगर आपको बेस में यूज करना है तो ऐसे ही करके बस ऐसे लगा सकते हैं, है ना. तो दोनों दोनों पर्पस का फ्लावर है ये. बेस पे ये बहुत सुंदर लगता है, वेलवेटी टाइप का एकदम फील आता है उसका पूरा एकदम. आई रियली लव दिस फ्लावर. मेरे को ये बड़ा मजा आता है इस फूल में. Yeah. इसका ना मैंने स्टिक का बॉर्डर बनाया है. ओह वाओ. इवन यू कैन स्टिक ऑन द कॉर्नर्स. कोई ट्रे है उसके कॉर्नर्स पे भी आप इसको स्टिक करके कर आप डेकोरेट कर सकते हैं. वो आता है ना yeah. वो हेड पिन वाला आता है ना, वो अलग अलग कलर के पिन्स आते हैं. यस यस रेड येलो वो हेड्स आते हैं वैसे वाले में ना. एंड यू कैन यूज देम. आई रियली लव दिस फ्लावर. मुझे बहुत पसंद है. Yes. और इतना इजी टू मेक. शोइंग समथिंग. कृष्णा जी शोइंग. अरे वाह सो क्यूट. या Wow, beautiful. Very nice, very nice. Some of them are really easy ones. वो next वाले जब हम लोग session करेंगे ना तो उसमें मैं आपको दो तीन एकदम बहुत easy वाले सिखाऊंगी. Okay. रेणुका कब अच्छा बन गया. Okay, those who have made them, please switch on your videos. तो मैं एक बार actually gallery view करती हूँ so that everyone can see कि आप लोगों ने क्या बनाया है. So जिन्होंने भी बनाया है ना, please अपने अपने फ्लावर शो करिए. I'm taking a screenshot. Yeah. शांति की दोनों बन गए. Yes. She finished both with all the very nice mineral and I'm so glad you made them with paper flowers. You will come to know कि वो कितने सुंदर लगेंगे बाद में. And beautiful size also. अच्छा बड़ा बड़ा बनाइए, बहुत अच्छा लग रहा है. हाँ ये बहुत बड़ा हो गया है, छोटा भी बनाएंगे फिर बाद में. हाँ हाँ आराम से. And you know what? मेरा एक suggestion है कि जैसे कोई क्लास हम कर लेते हैं, कोई भी क्लास करते हैं, not necessary कि मेरी flower making क्लास हो, कोई भी क्लास करती, किसी चीज का भी ना रिवीजन बहुत जरूरी होता है. हम लोग स्कूल में भी पढ़ाई करके आते थे ना, रिवीजन हम लोग कर लेते थे ऐसे. तो लाइक यू नो अपन भूल जाते हैं, तो रात को या जब भी टाइम मिले ना जस्ट प्रैक्टिस वंस. एक बार आप कर लोगे तो आपको आ जाएगा. सी आई एम ऑलवेज अवेलेबल ऑन डीजम. ठीक है आप जब भी मेरे को मैसेज करोगे, कुछ प्रोसेस नहीं समझ में आएगा, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू अगेन. बट फॉर द रिविजन, रिविजन करने से क्या होगा कि यू विल नो कि मेरे को आगे कैसे करना है, नहीं तो फिर वो सीख के कोई भी चीज ना कोई फायदा नहीं है. Doesn't really, you know, yeah. You know, it's not a lot of help to you. Yes, yes. And actually, it's for the courtesy to our mentor. कि आज जिन्होंने अपना इतना valuable time देके हमको कोई चीज सिखाई है, तो at least we should make it once and show it to them कि भाई आप किससे सीख के हमने इतना बनाया है. तो I think जिन्होंने भी आज class attend किया है, it's their moral duty to just make one or two flowers and send the pictures in the group so that sure, we can sure. just yes. aur aap kuch bhi agar aapko problem hai in case koi step nahi samajh mein aa raha hai, I'm always there to help you all. See, yes, yes. Jyoti is always available.
She is always available, and she is even available at 3 a.m. in the morning. 3 a.m. in the morning. Me last time, yes. Yeah. So Aarti has raised hand. Aarti, you can unmute yourself. In fact, anyone of you want to just talk, you can unmute yourself. Yeah. ये भी मेरा हैंड फ्लावर से बनाया हुआ है, पेपर फ्लावर ही है सब. Oh, so beautiful, Aarti. Wow. I like the thing also center में वो आपने बनाया. हाँ, everything is handmade. महारत है किसी को कुछ में, बट यू नो नॉट अ लॉट ऑफ पीपल गेट द राइट प्लेटफॉर्म. फॉर एग्जाम्पल, या कम से कम हाँ के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ है कि नहीं, हम लोग इसी में ये सब सीखे है. Yes. हाँ. नहीं, बट सीखते हैं, बट हम लोग बोलते हैं कि शेयर करिए, आप लोग शेयर नहीं करते हैं. मुझे बीजम के मेंबर्स लोगों से भी एक शिकायत है कि मतलब कई लोग मुझे मिलते हैं बाहर में, कभी फोन में बात होती है, तो सब लोग बोलते हैं कि आपका देख के हम लोगों ने कितना गार्डनिंग स्टार्ट किया, कितने आर्ट एंड क्राफ्ट हम लोगों ने सीखे, बट नो वन इज एक्चुअली शेयरिंग एनीथिंग. अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो हमको पता नहीं चलेगा कि हम लोग जो कर रहे हैं वो एक्चुअली कहाँ इफेक्ट दे रहा है आपको, राइट? या सो आई थिंक इट्स टाइम नाउ टू वाइंड अप द सेशन. ज्योति, ये टेबल के ऊपर से कृष्णा जी कुछ कह रही है. कृष्णा जी कुछ कह रही है. या क्या कह रही कृष्णा जी? ये टेबल अपना डीवीडी और रखते है ना छाने का, या टेलीफोन रखते हो उसके नीचे बिछाने का, या मूर्ति का मैट. यू मेड अ? या आई हैव लर्नड इट फ्रॉम माय मॉम. तो हम लोगों को कौन सिखाएगा? या शांति, प्लीज गिव अ सेशन ऑन दैट सो दैट एवरीवन कैन लर्न दिस ब्यूटीफुल आर्ट. इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग. आई कैन शो यू हाउ टू स्टार्ट इट. Okay, no issues. You can even if you do not want to take the full session, you can make a short video of your teachings. नहीं, and इतना बड़ा करने का जरूरत नहीं है ना, पोस्टर बना लेंगे ना हम लोग. हाँ, इतना बड़ा नहीं बनाएंगे, बहुत छोटी छोटी चीजें बन सकती है. या सो दोज हु हैव देयर टैलेंट इन द ग्रुप ना, प्लीज शेयर इट विद एवरीवन सो दैट एवरीवन कैन बी बेनिफिटेड फ्रॉम इट, राइट? So I think it's a wonderful session from Jyoti once again, and we are thankful from the bottom of our heart from Bijam and all the members of Bijam, and we are definitely looking forward for many such more interesting sessions from you, Jyoti. So thanks a lot, and thank you members for joining in, and please do share your pictures in the group. And one more announcement I want to just make on this platform. As I'm attached to Wiki and I'm president of Wiki West Bengal Organic Farming Council, one very nice session is coming up on Saturday, that Winter Garden and Wellness. From the expert is from Ahmedabad. He's Lokendra Ji Balsaria. He's an expert. तो वो बहुत अच्छे से दिखाएंगे कि हम लोग विंटर में कौन सी सब्जी ग्रो कर सकते हैं और कैसे हम अपने वेलनेस के लिए उन सब्जियों को, उन हर्ब्स को यूज कर सकते हैं. सो डेफिनेटली आई विल शेयर द जूम लिंक विद यू ऑल, बट दोज हु आर नॉट इन रेगुलर टच, इट्स अ सेशन यू आर नॉट एक्चुअली यू कैन कैनॉट अफोर्ड टू मिस इट. ओके, सो इट्स माई रिक्वेस्ट बिकॉज ऑल ऑफ अवर मेंबर्स आर ऑलरेडी इंटरेस्टेड इन गार्डनिंग और हर्ब्स और ये सब ग्रो करने में सबको बहुत इंटरेस्ट है. So you will definitely like this session. So thank you once again. And we are just ending this session with a vote of thanks to Jyoti. Once again, Jyoti, it's a nice session from you. And it's a pleasure of ours that we had you on Bijam as mentor. Thank you so much. Namaste. Thank you, Jyoti. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. You know, doing all this for all the groups, like, you know, and like, you know, for Bijam, always Sheetal, anything you ask me. Yeah. Thank you so much. Yeah. Bijam flourishes because of its members and the mentors. Yeah. Thank you so much. Thank you everyone. So much. Bye-bye. Bye. Thanks, man.